एक समय की बात है दोस्तों, एक घने जंगल में कुछ जानवर रहा करते थे और यहाँ के जंगल का राजा शेमरू भामिया थे। शेमरू भामिया सभी जंगल के जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, सबको हर रोज गुमलाम्बी भी दिया करते थे। यहाँ के सभी जानवर दिन रात गुलम्बिया रगड़ते रहते थे और मस्त मौज की जिंदगी जीते थे। एक दिन हर रोज की तरह शेमरू भामिया गुमलाम्बिया बांट रहे थे, तभी दूसरे जंगल से गुमलाम्बी चुराने वाले कुछ बंदर शेमरू भामिया के जंगल में घुस आए और जब उन्होंने यहाँ के जंगल के जानवरों को गुमलाम्बी रगड़ते देखा तो बंदरों के मुंह से लार टपकने लगी। तभी एक बंदर अपने लीडर से बोला, शेमरू भामिया कुछ करो, कुछ ऐसा करो शेमरू भामिया कि हमें कुछ भी ना करना पड़े और हमें गुमलाम्बी भी रगड़ने को मिल जाया करे। भूमिया कुछ करो भूमिया, जल्दी करो, अब रहा नहीं जाता केला देने की, उम्र में केमला खा खा के काम चलाना पड़ रहा है। हाँ? रुको सालों, कुछ सोचने तो दो तुम लोग मुझे। चीमलू भामिया, हम पिछले 2 महीने से इतने जंगलों में भटक रहे हैं, कहीं भी गुमलाम्बी नहीं मिली, मुझसे रहा नहीं जाता अब। चीमलू भामिया, आप दो ना, आप दो ना। हट साले हट, साले औजार काट के फेंक दूंगा, फिर हिमालय लायक भी नहीं बचेगा। साला तू जब से हमारी गैंग में आया है, पनौती लेके आया है, तब से एक गुमलाम्बी नहीं मिली और जब मिलती भी है तो तेरे कुछ चुमियापे की वजह से हम फिर हिमालते रह जाते हैं। हाँ चीमलू भाई, साला पिछली बारिश में गुमलाम्बी रगड़ने से पहले एक भी बार मुझे रगड़ने को नहीं दिया और जब मेरी रगड़ने की बारी आई तो मुझे बची हुई गुमलाम्बी पर कड़ाकर उधर से भाग गया। वहाँ के दमलार को बिना पैसा दिए, साला मेरे पास पैसे भी नहीं थे देने को। फिर बचकर कैसे निकले भामिया आप उधर से? लंबी कहानी है ब्रो, नहीं बता सकता। चीमलू भाई आप इसको भगाओ इधर से। साले तू निकल, अब तू हमारी गैंग में नहीं रह सकता। अरे चीमलू भामिया माफ कर दो, मैं तो ऊपर ऊपर से लूंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। अरे नहीं, तू सबसे बड़ा पनौती है साले, निकल इधर से, निकल भी सी। साले चीमलू के बच्चे देख लूंगा तुझे, भेसड्डी के तुझे एक मुमट्टल की बद्दुआ लगेगी। भग साले निकल। दोस्तों चीमलू भाई एक बंदर को अपनी गैंग से निकाल देता है और गुमलाम्बी चुराने की योजना बनाने लगता है। गैंग से बाहर निकाला गया बंदर जंगल में बहुत अंदर तक घुस चुका था, तभी उसे जंगल का कामगरू मिल जाता है। बमदर की फट जाती है, तभी कामगरू गुस्से में बोलता है, कायल रे बेमतिखोर, तू इस जंगल का तो नहीं लगता, जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कामगरू भामिया में रास्ता भटक गया हूँ, कसम से मैं आपकी गुमलम्बी चुराने नहीं आया हूँ। साले मैंने तो तुझसे गुमलम्बियों के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भीड़ू, तुझे शेमरू भामिया के पास ले जाना पड़ेगा, चल चुपचाप। ये तो मैंने खुद के लंदन पर ही कुलहमड़ी मार लिया। दोस्तों कामगरू बांदर को शेमरू भामिया के पास ले जाने लगता है और इधर चीमलू भामिया को एक तगड़ा आइडिया आता है गुमलाम्बी चुराने का। चलो फुल सेटअप तैयार है अब, हुए हुए, अब जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाओ, बस अब हमें इंतजार करना है किसी के यहाँ से निकलने का और फिर फुल गुमलाम्बी ही गुमलाम्बी होगी। बा चीमलू भामिया फुल दिमाग लगाना बाजी। ए चुप चुप, कोई आ रहा है देख, चुप सभी जल्दी से। गुमलाम्बी रगड़ू उछलता फिरू मस्त गमगन में, आज मैं आजाद हूँ इस घने जंगल में। मैं मरी जाऊंगा भगवान बचाओ। चलो अब इसकी गुमलाम्बी आ हमारी हुई। पर शेमरू भामिया, इसके पास तो गुमलाम्बी है ही नहीं। गुमलाम्बी नहीं है तो क्या हुआ, इसकी तो गुमलाम्बी है ना। चीमलू भामिया यू आर सो स्मार्ट। अबे चलो अब इस गड्ढे को फिर से ढक देते हैं। दोस्तों बंदरों ने इस आइडिया से जंगल के इतने जानवरों को खोदा कि कभी खड्डे में बिमला भाई, कभी खड्डे में खमरगोश, यहाँ तक कि बंदरों ने जिराफ को भी नहीं छोड़ा। चल चुपचाप चल साले, शेमरू भामिया के पास चल। सला, अगर मैं इसके साथ शेमरू भाई के पास गया तो मेरी मौत पक्की है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अबे एक जगह रुक क्यों गया साले,
कामगारों भामिया पेशाब लगा है बहुत जोर से, मूतने जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा और रुक जा शेमरू भामिया के आगे तू ही भी देगा। अब चल चुपचाप। अरे कामगारू भामिया बात समझो, मुझे गोटों का कैंसर है। कामगारू भामिया अगर मैं मूतने नहीं गया तो मेरे गोटे मुंह में आ जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरा बेवकूफ बना के भाग जाएगा। कामगारू भामिया आपके गोटों की कसम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दो मिनट में जाऊंगा और मूत कर आ जाऊंगा, तब तक आप ये लो कमला खाओ। साले ये केला खत्म होने से पहले अगर तू वापस नहीं आया फिर देखना शेमरू भामिया को लेकर आऊंगा और यही केमला डलवाऊंगा शेमरू भामिया से तेरे में। पहली फुर्सत में निकल लेता हूँ। A few moments later, कामगारू भामिया शेमरू भामिया के पास चलो, कुछ बंदर पकड़ पकड़ कर हम सब की गुमलाम भी मार रहे हैं। क्या साले बंदरों की इतनी हिम्मत? तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी के अभी उनकी ऐसी तैसी करके आता हूँ। वो देखो चीमलू भामिया, ये साला फिर वापस आ गया, अब ये पनौती लगा देगा। भाग साले भाग, फिर से वापस क्यों आया है तू इधर? चीमलू भामिया मेरे जान के लाले पड़े हैं, मुझे बचा लो भामिया। मैं तो कहता हूँ इधर से निकल लेते हैं चीमलू भाई, यहाँ का राजा शेमरू भाई बदला लेने आ रहा है। दोस्तों बमदर सभी को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। चीमलू भाई इस पनौती की बात मत सुनो, अच्छा खासा गुमलाम भी पेलने को मिल रहा है। भाग साले हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, आने दो शेरू के बच्चे को देख लूंगा। दोस्तों बंदर समझ चुका था कि अब उसे अकेले ही खुद की जान बचाना पड़ेगा और तभी वह एक जगह जाकर छुप जाता है। इतने में शेरू भामिया गुस्से में आता है और सबको खोदने लगता है। शेरू भामिया सभी बंदरों को खोद के जा ही रहा होता है तभी उसका पैर उस गड्ढे पर पड़ता है और वो अंदर गिर जाता है। हुए हुए हुए, क्या वे शेमरू के बच्चे निकल गई सारी हिलंकड़ी तेरी? बड़ा जंगल का राजा बना फिरता है, आंखें हैं की बटन, मुझे मार के दिखाना अब। ए देख स्टंट देखेगा, ए देख ए देख ए देख। पेड़ की डाली पे जायदा उछल कूद करेगा तो डाली तो टूटेगी न भीड़ू। अरे नहीं नहीं शेमरू भामिया, मैं तो माफी मांगने के लिए नीचे आया है। ठीक है चल अब उल्टा हो जा, तुझे माफी देता हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।